बार फटाफट सबके मीनिंग बताऊंगा फिर पूछूंगा। ये आर्टिकल डे या दी दास, दास मतलब ये न्यूट्रल वाले हैं, दी मतलब सारे फेमिनिन के वर्ड्स हैं और डेयर का मतलब सारे मैस्कुलिन है। अब ये मत पूछना कि ये बेल्ट मैस्कुलिन कैसे हुआ ग्यूटल, ओके हो गया वो। जैसे लोटा को आपने मैस्कुलिन बना दिया हिंदी में, लुटिया को फेमिनिन बनाया, तो किसी ने पूछा नहीं, वैसे ही केवल लर्न करना है। डे रॉक इज स्कर्ट, ज्यादातर लेडीज पहनती है, ज्यादातर क्या जेंट्स कहाँ पहनते हैं स्कर्ट? यस हाँ पहनते तो है, बट डे रॉक इज स्कर्ट। डे रेगन, रेगन इज रेन बारिश। डे श्मेटरलिंग बटरफ्लाई। डे आफ है लंगूर बंदर। डे लियो है शेर लॉयन। डे फिश इज फिश। डे ग्यूटल इज बेल्ट। डे एलिफेंट इज एलिफेंट। डे स्टर्म इज स्टार स्टार ऑफ द वीक। डे बाउम ट्री। डे पूपा इज डॉल गुड़िया। पपेट के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है पूपा। द वॉश मशीन इज वॉशिंग मशीन। द ओरंग इज ऑरेंज। द होज इज पेंट्स। द किर्श है चर्च। द किर्श इज चेरी। साउंड सेम ही है, स्पेलिंग में फर्क है थोड़ा। द म्योर इज कारोट है कैरेट। द लैंप इज लैंप। द शोकोलाड इज चॉकलेट चोकोलाग। द Shoe, shoes. Thus, ice is ice cream. Sofa is sofa. Thus, thus fenster is window. Thus, farad cycle. On thus motorad motorcycle. Thus, hemd is shirt. Thus, telephone is telephone. Thus, handy is mobile phone. Thus, bed is bistar bed. Thus, book. इज बुक उन दस हून इज मुर्गी। दस हेंशन इज चिकन। दस ऑटो कार। दस शाफ इज सीप भेड़। दस टी शर्ट। दस फेड इज हॉर्स घोड़ा। दस ड्राइक ट्राइंगल त्रिभुज। दस मोटोराड इज मोटरसाइकिल। Auto is car. Auto. The quadrat is verb. The cow is cow. The banana is banana. Kela. The bloom is flower. The zone is sun. The earth bear is strawberry. The walk cloud. The apothec है drug store, chemist shop, medical store, apothec है। The cats है is cat, meow. The family है is family. The tomato है tomato, टमाटर मजेदार। Their wagon car, thus auto is car, their wagon is also car. Their stool is chair. Their dish is table. Their mantle is overcoat. Their apple is apple. Phal. Their ball is ball. Their football is football. Their computer is computer. Their hund is dog. Their jessel is armchair. And their mound is moon. ये words हम लोग use करेंगे, फिर सेंटेंसेस में भी आ जाएंगी, ये आपकी जुबान पे आ गए तो सेंटेंस पे भी आ जाएंगी। अब ये आर्टिकल के साथ लर्न करने हैं, ये खास बात है इसकी। अगर मान लो आपको ये सेंटेंस में यूज करने हो तो कैसे करेंगे? देखो कोई भी वर्ड सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किधर खड़ा है। The car is coming, तो कार ही तो आ रही है तो सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूं I am purchasing a car, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में कहां खड़ा है।
उसकी हैसियत क्या है। तो टेबल आपकी हर बार जब भी सेंटेंस बनाओगे तो ये टेबल चाहिए आपको, देयर दी दस दी देन दी दस दी देम देयर देम देन प्लस एन, ये आपके टेबल मैस्कुलिन फेमिनिन नॉइट्रल प्लूराल नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव एंड डेटिव, ऐसे ही फिर एक टेबल आइन की भी है, आइन 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 आइन, और यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता, आइन 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 आइन। तो ये होगी अकेटिव नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव, सेकंड टेबल का मतलब है अ, और पहली टेबल का पूरी टेबल का ही मतलब है द, डिपेंड करता है आप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो। अगर मैं बोलूं आई मोटरसाइकिल है, कल आपको कुछ इरेगुलर वर्ब भी लिखवाई थी क्या, हाबन वगैरह नहीं नहीं, अभी आपने कुछ बेसिक ही करी है हमने, आप वर्ब देख के बता सकते हो कि कौन सी कैटेगरी की है नॉमिनेटिव, भले ही आपको 5-7 दिन ही हुए हो लेकिन आप वर्ब को देख के ये बता सकते हो क्या कि नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव या डेटिव। यस सर। काउफन, यस काउफन कौन सी वर्ब है, अक्यूजेटिव अक्यूजेटिव। फ्रागन हेल्फन डेटिव, जाइन नॉमिनेटिव ट्रिंकन कोखन अंटवर्टन शाफन अक्यूजेटिव। वेरी गुड। अगर आपको 5-10 क्लासेस में ये पता चल जाता है कि हजारों में से कोई भी वर्ब पकड़ के लाए आप उसको देखते ही बता देते हो अक्यूजेटिव डेटिव, तो इसका मतलब है आपकी सेंटेंस मेकिंग सही जाएगी, एकदम से बिल्कुल सही जाएगी, क्योंकि नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी सेंटेंस का वो। सो सपोज हमको सेंटेंस बनाना है, मैं द नहीं बोल रहा हूं, ए बोलूंगा, ध्यान रखना द के लिए तो ये टेबल होती है ऊपर वाली और अ के लिए ये होती है, तो ध्यान से सुन के ए बोलूंगा तो इसी को यूज करना है, इसको मत कर लेना क्योंकि हमने अभी सेंटेंस बनाना शुरू किया ही है। अगर मैं बोलू आई एम परचेजिंग अ टोमेटो, आई आराम से अपना टाइम लो, आई एम परचेजिंग, अब कोई एक टमाटर कौन खरीदता है, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए कह रहा हूं आई एम परचेजिंग टोमेटो, कि मैं एक टमाटर खरीद रहा हूं, ये सेंटेंस सोचो आराम से, टेक योर टाइम और फिर बना डालो। टमाटर ही बोल दिया, एश एश टोमेटो टोमटे टोमाटर इश काउफ है आई ने टोमाटर है, ये आईना आपको सच में समझ में आ गया क्या? जी सर। ये कहां से आया है? अकॉर्डिंग वर्ब ये यहां से तो नहीं लिया? नहीं ना। तो यहां से यस अक्यूजेटिव से लिया है। वेरी गुड। अक्यूजेटिव कैसे हुआ? वर्ब अक्यूजेटिव क्योंकि काउफन वर्ब अक्यूजेटिव है। ओके इश काउफ है आई ने टोमाट है आई एम परचेजिंग ए टोमेटो। ओके एक टमाटर का क्या खरीदना, अपन एक काम करते हैं आई एम परचेजिंग ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदते हैं आई एम परचेजिंग ए मोटरसाइकिल।
फिर क्या होगा? इश कॉफिन आईने मोटर 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 आर सो क्या लिखूं? इश ई कर दूं ना? ई कर दूं? नहीं यस यस क्या आएगा? ये सही है क्या? आईने तो नहीं आएगा? नहीं नहीं सर। अब सही है क्या? हाँ सर यस सर बिल्कुल सही। अब सही यही है क्योंकि जो मोटोराट है वो न्यूट्रल है। दास 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 जब होगा तो हम लोग ऊपर से नीचे तक ये केवल दास वाला ही देखेंगे। आप पूरी टेबल देखते हो तो आप बिदकते हो, आपको पूरी देखनी नहीं है। आप जब दास बता दिया किसी ने तो केवल दास में ही दिखना चाहिए। कोई दी बोल दे तो केवल दी दिखना चाहिए। आपको अपने काम की चीज दिखनी चाहिए। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें देखोगे तो परेशान होगे। अपने काम की चीजें देखो, ठीक है? सो आइन मोटर आर्ट अकुजेटिव तो होगा लेकिन दास के हिसाब से होगा तो ये आइन होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। सर कॉफिन है तो कॉफिन हो जाएगा ना सर, बिकॉज इश है तो ऊपर इश के साथ तो ई आता है, इश काउफ है। ओके ओके इसके साथ तो ई आता है। रिबिल नहीं भूलनी है, रिबिल भूल गए तो हो गया काम गड़बड़। रिबिल देखो इश डू एयर एस सी वियर ईयर ईयर सी सी तो इसके साथ हमेशा ई दिखना चाहिए। इसके साथ आपको ई दिखना चाहिए, डू के साथ एस टी फिर टी 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 एन टी एन एन ये दिखना चाहिए ये वर्ड के साथ। और फिर टेबल बाकी की देखो आप तो वो टेबल पूरी टेबल क्या है? इश मिश ऐसे करके टेबल और बताई थी। इश मिश मियर इश मिश मियर आपको ऐसे सोचना है, भले ही 10-5 दिन ही हुए हैं आपको, ऐसे सोचना है कि हाँ हमको तो सेंटेंस मेकिंग आती है भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चल गया। अपने आप को पुराना फील करो कि मैं तो काफी दिनों से जर्मन में ही हूँ, राइट? सो तभी आपके सेंटेंस सही होंगे। आप देखोगे कि अरे मैं तो अभी नया ही हूँ, बाद में कर लूंगा सही। बाद में कभी नहीं होंगे, शुरू में ही होता है वो। तो कोई शुरू में रीडिंग नहीं कर सकता तो वो बाद में थोड़ी कर लेगा। अभी बेसिक सेंटेंस बना रहे हैं अपन, सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया हमने तो आपको आना चाहिए, ठीक है? पानी को क्या बोलते हैं? वसर वसर वसर। और पीने को ड्रिंकन। आपको सेंटेंस बनाना है दे आर ड्रिंकिंग वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, जी ड्रिंकन वाटर, जी ड्रिंकन वाटर, जी ड्रिंकन वाटर। दे के लिए हमेशा ई एन लगता है, जी ड्रिंकन वाटर। सर जो एस है वो स्मॉल वाला आएगा ना? ये स्मॉल वाला ही फील करो आप इसको, क्योंकि आप शुरू में जब लिखते हो तो हर कोई बड़ा ही बन जाता है सेंटेंस। okay. जब स्टार्ट करते हैं, यस सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल। जर्मन लैंग्वेज में दो ही चीजें कैपिटल लिखते हैं हम लोग,
एक तो सेंटेंस के स्टार्ट में, एकदम स्टार्टिंग में जो भी वर्ड आता है उसको कैपिटल लिखते हैं, प्लस कोई भी नाउन डेयर दास वाला वो हम लोग कैपिटल लिखते हैं। इसलिए आपने सोचा सही है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को ये बोलना हो, मैं दो चीज खरीद रहा हूं आपकी बात सोच समझ के बोलना आप, है ना। एक तो मैं खरीद रहा हूं घोड़ा, बात करने में क्या जाता है, एक तो घोड़ा खरीद रहा हूं द स्पैड, और एक खरीद रहा हूं ओवरकोट। चलो देर मांटल लिखा है, एक के सामने फैड लिखा है। सेंटेंस ध्यान से मैं लिखता हूं, आप लोग सोचो आराम से। आई एम परचेजिंग अ होर्स एंड एन ओवरकोट। एक घोड़ा और एक ओवरकोट। Ich kaufe ein Pferd und eine Mantel. बिल्कुल गलत, वापस से सोचो। Ich kaufe eine Hund. कुत्ता खरीद लिया आपने घोड़े के चक्कर में, हुंड बोल रहे हो आप। सॉरी सर, कुत्ता ले आए आप, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं फैड, पी एफ एक साथ बोलते हैं तो फैड। आइन फैड उंड आइनर मेंटल। आइनर नर है क्या वो? नर तो कोई है ही नहीं, आइनर तो इसमें कोई सही नहीं है। अच्छा, अच्छा ये वाला किया है क्या आइनर? यस सर। यहाँ से क्या है? इन्हें फेड ओंट आइनन मेंटल। आइनन बोल रहे हो आप? ओके, यहाँ से आइनन। इस काउफ है आइन फेड ओंट आइनन मांटल। मांटल आराम से वापस देखो, ये आइनन होगा और ये आइन होगा। क्यों? क्योंकि काउफन वर्ड तो अकुजेटिव है लेकिन घोड़ा तो है न्यूट्रल। ये दास फैड लिखा है, दास न्यूट्रल वाला होता है तो न्यूट्रल के हिसाब से अकुजेटिव ये तो हुआ आइन। लेकिन जो मांटल है वो मैस्कुलिन है, डेर लिखा हुआ है तो डेर के हिसाब से अकुजेटिव हुआ आइन की टेबल में आइनन। इसलिए इश काउफ है आइन फैड उंड आइनन मांटल। ओके, एक सेंटेंस और फिर दूसरे पेज पे चलेंगे। फैमिली ए फैमिली is visiting me. Visit के लिए क्या वर्ब आती है? बिजुखन। 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 So ध्यान से देखना, सेंटेंस मैंने लिखा है a family is visiting me, मुझे विजिट कर रही है कोई फैमिली। आराम से टेक योर टाइम, सोचो एंड देन से समथिंग। Die Familie besucht mich. Ein Family besucht mich. Yeah. Okay, anybody else? Ein Die Familie ist besucht. बिल्कुल गलत। आई फैमिली
I know familiar. क्यों आया है तो सही लेकिन क्यों आया आई न फैमिली क्या है मैस्कुलिन है कि आप न्यूट्रल है कि मैस्कुलिन है क्या है फैमिली क्या है फैमिलीन है सो दी है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्योंकि कोई फैमिली विजिट कर रही है तो वो खुद ही तो विजिट कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है मतलब दी में सब्जेक्ट के तौर पे आइन की टेबल में देखेंगे दी के हिसाब से ये पहली आइन की टेबल में यहां आएगा बिकॉज नॉमिनेटिव की सीट में जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है तो आइन की टेबल में ये है सब्जेक्ट और दी की टेबल में ऊपर वाला नॉमिनेटिव का मतलब ही है सब्जेक्ट ये सब सब्जेक्ट है फर्स्ट लाइन वाले ऐसे ही ये फर्स्ट लाइन वाले सब सब्जेक्ट हैं सो आइन फैमिली है और फैमिली सिंगुलर है इसलिए बिजुक्ट मिश अ फैमिली इज विजिटिंग मी मिश क्यों आया भाई इश भी तो आ सकता था मियर भी तो आ सकता था ये मिश ही क्यों आया आपको जाते बार बार आकुजाटी वर्ड सर वो आकुजाटी पे और फिर वो भी आप उसके बारे में बता रहे तो और वो आकुजाटी भी इसमें मिशाया ठीक है आप बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे इसलिए आकुजाटी आया बिल्कुल सही करेक्ट सही बोला आपने कि फेमिनिन है सिंगुलर है वर्ब का देख के हमने केस आकुजाटिव कर दिया बिल्कुल सही वर्ब को ही देखते हैं हम लोग अब इतनी देर में आप मीनिंग मीनिंग भूल गए होंगे थोड़ा पूछ लेता हूँ व्हाट इज किर्श है चर्च लियो है लियो है बाउंड ट्री हेम्ड शर्ट हेम्ड इज शर्ट हैंडी मोबाइल होज है ओके ये वर्ड्स पहली बात तो सारे आपको आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया वर्ड लिखना आप एक कॉपी खरीद लो 10-20 रुपए तो लगेंगे आपके लेकिन एक कॉपी खरीद लो और उसमें देर के सारे वर्ड एक जगह लिखना शुरू कर दो देर के सारे और अगर जल्दी सीखना है तो ये सारे के सारे देर के हर बार ब्लू से ही लिखो ब्लू से मतलब कोई भी एक कलर हो सकता है देर वाले सारे ब्लू से लिखो तो आपके दिमाग के खांचे में ऐसे हो जाएगा अच्छा ब्लू में लिखा हुआ था वो तो मैस्कुलिन ऐसे और फेमिनिन वाले सारे रेड में लिख लो न्यूट्रल वाले को काले में लिख लो ऐसे या फिर ऐसे कलर से लिख लो कि दिखे ही नहीं नहीं दिखना तो चाहिए कोई भी कलर में लिख लो मतलब ये वाले ब्लू में ये वाले रेड में Red. और ये कोई भी तीसरे कलर में हर बार फिर हर बार आपको पता रहेगा कि अच्छा ये तो इधर है और ऐसे भी कर सकते हो कॉपी के एकदम शुरू शुरू में सारे मैस्कुलिन ले लो या फेमिनिन ले लो बीच में ले लो और लास्ट में तो दिमाग में क्या है एंट्री उसकी ऐसे भी होती है लास्ट में ब्लू से तो बहुत जल्दी याद होता है फिर ओके फिर आप मन में फोटो भी बना सकते हो अलग अलग लोगों को देखो किसको कैसे याद होगा ये तो वो ही जानता है लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं जैसे मान लो ये मैस्कुलिन है सारे तो बारिश तितली बंदर शेर फिश जंगल हैं ये सारी चीजें एक साथ आप देखो इनकी फोटो सोचो दिमाग में ओके इधर हैंडी टेलीफोन अच्छा ये दोनों एक तरफ है मैं रात को बिस्तर में टेलीफोन उस साइड में रख के सोता हूँ बुक भी पास में ही पड़ी रहती है विंडो के पास सोफा ऐसे आप पता नहीं क्या सोचोगे आप
बट उससे आपको लर्न होगा. फोटो बनाओ दिमाग में. व्हाट इज म्योर है? कैरेट. 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 शोकोलाट है? चॉकलेट. चॉकलेट. वॉश मशीन है? Schmetterling. Butterfly. Butterfly. Fenster. Window. 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 Cycle. Farad. Cycle. Cycle. Motorrad. Motorcycle. Motorcycle. Stern. Star. Star. Okay. Clark. ये छोड़ो, अभी पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम सारे ही बता रहे हो, तुम्हारे तो याद है. क्यों पूछता हूँ अभी, फिर पूछूंगा बाद में. ओके, अभी हम लोग एक काम करते हैं, टेबल आपसे पूछता हूँ.